अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 10 ज़िलहिज के मौके पर पूरी दुनिया में ईद उल बकरा, जिसे ईद उल अज़हा भी कहते हैं, मनाई जाती है। इस सिलसिले में हर तरफ से लोग जो हैं वो ईद की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। ये ईद ईसार और कुर्बानी का जज्बा इंसानियत के अंदर पैदा करती है। जो साहिबे माल होते हैं उन पे कुर्बानी वाजिब होती है। और आज के दिन एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करते हैं, गले मिलते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं, अच्छे खाने, अच्छे पकवान बनते हैं और अच्छे कपड़े पहने जाते हैं। मैं ईद के इस मौके पर अपने तमाम दोस्तों को अपनी तरफ से और तहरीक बकाए उर्दू की तरफ से और तहरीक बकाए उर्दू के तमाम अराकीन की तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। और अल्लाह से दुआ है कि ये ईद हम सब के लिए खुशियाँ लेके आए और कोरोना वायरस की इस बीमारी से जहाँ पूरी दुनिया जो है वो जूझ रही है, इस बीमारी से नजात मिले। तमाम लोगों को इस बारे में दुआ करनी चाहिए। इज्तमाई दुआएं कबूल होती हैं कि इस बीमारी से पूरी दुनिया को नजात मिले। और इसके साथ साथ में एक अहम बात जो है वो आप सभी के सामने रखना चाहता हूँ कि हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, लेकिन अगर हमारा हमसाई, हमारा करीबी रिश्तेदार गरीब है और वो साहिबे माल नहीं है और कोरोना वायरस की बीमारी की वजह से उसे पूरी मजदूरी भी नहीं मिल पाई है, उन लोगों को याद रखना जो है ईद के मौके पर। सबसे बड़ी ईद जो है मेरे हिसाब से वही सबसे बड़ी ईद है कि हम उन लोगों को याद रखें। सबसे पहले हम ये देखें कि हमारे जो पड़ोस में हैं, जो नेबरर्स हैं, क्या उनके घर में खाना आया है, क्या उनके घर में भी गोश्त पका है, क्या उन्होंने भी अच्छे कपड़े पहने हैं। हम सबको अपने आसपास ईद के मौके पर देखना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए ताकि वो भी ईद की इन खुशियों में हमारे साथ शरीक रहें। एक बार फिर मैं तमाम लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ इस दुआ के साथ कि ये ईद हम सब के लिए खुशियाँ लेके आए
और हम सबको कोरोना वायरस की इस बीमारी से नजात मिले। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बाबा ईद मुबारक, छप 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 ईद मुबारक।